एक नए चैनल पे 50 व्यूज 100 व्यूज आना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। अभी आप हमारे चैनल को देख रहे होंगे, हमारे चैनल पे हर वीडियोस पे 50, 100, 150, 400, 500 व्यूज हैं। आपने भी चैनल खोला होगा, आपके वीडियोस में व्यूज 0, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 इतनी होगा। आज तक 50 की आंकड़ा नहीं पूरा कर पाए होंगे, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे हट के नहीं सोचा। अगर YouTube में आपको वर्क करना है तो एक अलग लेवल से सोच के काम करना होगा। YouTube आज के डेट में वो नहीं रहा जो आज से 4-5 साल पहले था। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि टॉपिक ही नहीं थी इतनी थी यहाँ पे YouTube में, आपकी टॉपिक यहाँ पे मिल जाती थी। आज के डेट में आप कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, YouTube में हर टॉपिक पे कंटेंट है। हर बड़े क्रिएटर्स जो है सभी ने वीडियोस बना रखे हैं, तो क्या आप उसी कंटेंट पे वीडियोस बनाएंगे तो क्या लगता है आपको कि आपके चैनल में ग्रो मिलेगी, आपके वीडियोस में व्यूज आएंगे, आपके वीडियोस का टॉप 5 लेवल में आएंगे? नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि बड़े क्रिएटर्स के ही टॉप 5 लेवल पे वीडियोस आएंगे, आपके वीडियोस कभी भी नहीं आने वाला है। कोई भी एक टॉपिक पकड़ लो गाइस, अब यहाँ पे हम एक टॉपिक पकड़ लेते हैं, हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स। तो वहाँ पे लाखों क्रिएटर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, आज भी नाक रख रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ हट के नहीं सोचा है। आपको हट के सोचना है। मैंने भी यहाँ पे जो है इस चैनल पे, मेरा ये सेकेंड चैनल नहीं है मेरा गाइस, ये फोर्थ चैनल है, चौथा चैनल है मेरा जिस पे मैं वॉक कर रहा हूँ। ऑलरेडी आई हैव 3 चैनल्स बैक, जिस पे मेरे पास एक चैनल पे अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स भी हैं, 30K सब्सक्राइबर्स अराउंड। तो क्या मैंने ऐसे ही काम किया, वहाँ पे ऐसे मुझे 30K सब्सक्राइबर्स मिल गए? मेहनत करिए गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पे कुछ हट के सोचना है, हट के काम करना है, तभी आप यहाँ पे ग्रोथ हो पाओगे, वरना आप ग्रोथ नहीं हो पाओगे। भूल जाना, सपने भी मत देखना यहाँ पे। लेकिन अगर आपने गोल बनाया है, अपने गोल अचीवमेंट डिफाइन की है कि मेरे को यहाँ पे यूट्यूब में सक्सेसफुल एक यूट्यूबर बनना है, तो आपको यहाँ पे मेहनत लगन के साथ साथ आपको यहाँ पे हट के सोचना होगा। अब हट के सोचने वाली बात क्या है, वही मैं इस वीडियो पे कवर करूँगा। जो भी मैं आप मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे, अगर इवन मैं ये भी बात करूँ कि अगर आपके भी चैनल नए नए हैं तो आप खुद ही देखना आपकी वीडियोज़ में व्यूज़ कितने आ रहे हैं। अगर आपके वीडियोस में 100-200 व्यूज आ रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली फोकस ऑन द कंटेंट, आपके चैनल ग्रो हो जाएगी। बट अगर आपके चैनल में 10, 15, 20 व्यूज आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे कुछ हट के करने की ज़रूरत है। अब सिंपली बात करें, कोई भी एक टॉपिक पे वीडियोस पकड़ लेते हैं, हाउ टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स। आपको इस टॉपिक के ऊपर भरपूर जान लगानी है, जितनी जान लगा सकते हो उतनी जान से वीडियोस बनानी है, अच्छे कंटेंट देना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आधा घंटे का वीडियोस बना दो, सिंपली 5 मिनट का वीडियोस बनाओ, बट पॉइंट टू पॉइंट कवर करो। और इतना ही नहीं होता, आपने कंटेंट अच्छे बना दिए, थंबनेल भी अच्छे बना दिए, बट आपकी वीडियोस प्रमोट भी तो होनी चाहिए ना गाइस। अब प्रमोट होने के कई सारे वे हैं, यूट्यूब सर्च, ब्राउज फीचर, रिकमेंडेशन, नोटिफिकेशन, सजेशंस, बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ से आपके वीडियोस में व्यूज आएंगे। बट क्या लगता है कि आपकी वीडियोस ब्राउज फीचर में जाएगी? क्या लगता है कि आपकी वीडियोस यूट्यूब सर्च से आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जब उस टॉपिक से सर्च होगा तो बड़े क्रिएटर्स के ही वीडियोज आएंगे। आपकी वीडियोज को हम सिर्फ 2 जगह ले जा सकते हैं जहाँ से आपके चैनल को ग्रोथ मिल सकती है, रिकमेंडेशन एंड सजेशंस। ये 2 जो लाइन है, इन पे आपको वर्क करनी है। छोड़ दो कि यूट्यूब सर्च से मेरी व्यूज आएंगे, छोड़ दो कि ब्राउज फ्यूचर में हमारी वीडियोज आएंगे, लिव दैट थिंग्स। सिर्फ आपको ये 2 चीज़ काम करनी है, रिकमेंडेशन एंड सजेशंस। अब ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी वीडियोज को हम ले कैसे जा सकते हैं? आपको करना क्या है सिंपली बताऊँ तो, जैसे कि आपने यहाँ पे टॉपिक सर्च करी थी हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पे जो टॉप 5 क्रिएटर्स के जो वीडियोस आपको दिखे, सिंपली उनके टाइटल को कॉपी करना है। टॉप 5 के सारे वीडियोस के
टाइटल को कॉपी करना है और अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एज अ सजेशन टॉपिक लिख के पेस्ट कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि आपने वीडियोस बनाया कि सब्सक्राइबर्स कैसे लें और वीडियोस आपका किसी और फील्ड पे है, आपने वहाँ पे वो चीज़ लगा दी, ऐसा नहीं चलने वाला है। आपने अगर किया कि हाउ टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स, हाउ टू इंक्रीज द व्यूज़, जिस टॉपिक पे भी आपने बनाई है उसी टॉपिक पे आपके कंटेंट होने चाहिए, तभी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। ऐसा नहीं है कि आपकी वीडियोस किसी और फील्ड पे है और आपने इस टॉपिक को यहाँ पे, इस चीज़ को जो है यहाँ पे फॉलो कर दी, तो मिलने वाला ही नहीं है आपको व्यूज़ कभी भी। आपके सजेशंस में जाएगा भी तो आपके वीडियोस को कोई देखेगा ही नहीं। रिकमेंडेशन में अगर आपकी वीडियोस जाएगा तो कोई नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि गाइज अगर आप एक टेक क्रिएटर्स हैं और आपने जिस टॉपिक पर वीडियोज़ बनाई है तो वो रिकमेंडेशन, जैसे कि कोई बंदा अगर बड़े यूट्यूबर का वीडियोज़ देख रहा है कि हाउ टू इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स, तो उसके नीचे जब रिकमेंडेशन या सजेशंस में आपकी वीडियोज़ आएंगे तो समझ लेना कि जो उस वीडियोज़ को देख रहा है वो परेशान है, उसको सब्सक्राइबर्स नहीं मिल रहा है, उसकी सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हो रही है, तो वो उसी रिलेटेड कंटेंट पे ही फोकस करता है वीडियोज़ देखने के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जिस कंटेंट पे आप वीडियोज़ बनाओगे उसी कंटेंट के रिलेटेड ही इस चीज़ को फॉलो करनी है, रेगुलर फॉलो करना है आपको। ऐसा नहीं कि आज फॉलो कर लिया, कल फॉलो कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। रेगुलर, जब तक आपकी बेनिफिट ना हो जाए, जब तक एक वीडियो वायरल ना हो जाए, इस चीज़ को फॉलो करते रहना, डेफिनेटली कहूँगा कि आपकी वीडियोस में व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे कुछ समय के बाद, और जब व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली गाइज आपके पास आते हुए दिखेगा। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, यहाँ से कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा आपको। अगर गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।